पड़ा रहे औधौआ लगाइए जो पौवा पड़ा रहे औधौआ माननीय अनुज श्रीवास्तव माननीय प्रधान जी के बड़े भाई साहब की तरफ से जगदीशपुर ग्राम प्रधान जी के बड़े भाई माननीय अनुज श्रीवास्तव उनकी तरफ से 2000 रुपया कमेटी के लिए व्यवहार है, 100 रुपया पार्टी के लिए इनाम लावा। तुम्हारो बोल दे लगा रे छुट्टी मिल जाएगी, बड़ी देर से खड़ी की है। संतोष यादव भैया, संतोष यादव पूरे गणेश, हाँ संतोष यादव पूरे गणेश राय 500 रुपया कमेटी के लिए व्यवहार, 20 रुपया इनाम। और शिव लखन ठेकेदार, जगदीशपुर 500 रुपया कमेटी के लिए व्यवहार, पार्टी उनका शुक्रिया अदा कर रही है। लाओ हाथ असरफी लाल पूरे गणेश, राय 220, 20 पार्टी के लिए इनाम, 200 व्यवहार। और अब ना मिली, देखा देख हो भैया, मांगे जल्दी ले आओ, हम अंदर जाए थे, हमका टाइम ज्यादा किया यार। देखा देख हो भैया लिख रहे हैं, राइटर जी इनके पास लिखा दीजिए, हम टाइम लगाकर बीच बीच बोलते रहे भैया। हेलो बिहारी लाल, थोड़ा 2 लेडीज है वो यार यहाँ नहीं आ सकती, चले जाओ वहाँ पर, दादी बैठी हैं, पैसा ले आओ। भैया राहुल दलाल के पूर्वा 50 कमेटी के लिए व्यवहार। अब देखा भैया देना और लिखा देना, मिनटी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर भेज रहे दादी बिहारी लाल। अच्छा अच्छा दादी, अरे तो सवेरे तक रहबे करी हो, अब तुम पैसा लेबो न करम, नहीं व्यवहार देके तुम चली जाइए। अब तुम्हारा पैसा हम सवेरे 4 बजे ले। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है। बचपन में मेरी माँ और मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। क्या करूं, जिस रास्ते से निकलती हूँ लोग मुझ पे उंगलियां उठाते हैं, न जाने क्या से क्या कहते हैं। मेरा जीना दुश्वार हो गया है, कि जन्म का बदला लिया है, कि जन्म का बदला लिया। क्या बिगाड़ा था मेरे मालिक, जो कि इतनी बड़ी सजा दी कि भगवान बता क्या मैंने क्या बिगाड़ा था मेरे भगवान बता क्या मैंने, हाय तेरा इस लड़की से पूछा जाए कि इसके रोने का क्या कारण है, ये क्यों रो रही है। हाँ, क्यों रो रही है? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मार डाला जाए साले को। पूछो रब, हम पहले पता लगाते हैं। चलो आओ, इधर आओ, आगे आओ, हमसे साफ साफ बताओ, अगर तुमको किसी ने कुछ कहा हो सिर्फ उसका नाम बताओ, आग लगा दे घर में साले की, मार डाल पूरे परिवार का, मार के लहाज सारन के जिंदा उनके खड़ी करवा दे। भैया भैया मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। पूरी जिंदगी रोई है तो का रो भाई बताया करे हम भैया। हाँ भाई साहब, अरे अच्छा रिश्ता बना लिया, बताओ हम भाई, हम भैया ही करे। एक काम करो, अगर तुमको भैया कहने की शौक है और भैया कहकर बात करना चाहती हो तो इनसे बात करो। चलो आगे आओ। लड़की, हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। लड़की नहीं, बहन जी, बहन रमली। पूछिए बाबूजी, क्या पूछना चाहते हैं? और सुंदर तालक करतरी लगा सिरन में, सुंदर तालक करतरी लगा सिगर में तीर, और नाम पता है पूछता कल्ला क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली है? कि नाम मेरा दुर्गा, सुनो वो छत्री की, नाम मेरा दुर्गा सुनो वो छत्री की जाई, तो गर्ज कोई नहीं है तेरे जानवर, मुझको अपना बना लो सदा के लिए, और मंत्री हूँ इस हुकूमत नामा है, मंत्री हूँ इस हुकूमत का माहौल का, मेरी पत्नी बनो कुत्ते घर में तू है बुद्धिला, और मुझसे पूरा न होगा तेरा हौसला, और क्या है घर में बैठे और बेटी नहीं, क्या है घर में पहन और बेटी नहीं, जाके सीने से उनको लगा ले, तो प्यार की तो लागी लगन जालमन, प्यार का एक बोसा हमें दीजिए, और जिंदगी भर में चूम कदम, जिंदगी भर में चूम कदम आपका, थोड़ी मुश्किल मेरी आपको कर दीजिए, चिथड़े पे लट्टू रहे, किस तरह से तू अंगूर को खाएगा, और क्या लगाएगा गले से मुझे, क्या लगाएगा जबरन गले से मुझे, एक चाटे में गुम हो जाएगा। दुर्गा हमारी बात को नहीं मानेगी तो बहुत पछताएगी, हमारी बात को मान ले, धन से मालो माल हो जाएगी। चले जाइए कोई नहीं है, वो नहीं ना पूरा गांव मर गया, एक कैसे बंटाधार हो। रमली ये साली ऐसे नहीं मानेगी। असल बात तो हाँ तरीका कुछ अलग है, तरीका हाँ आए हम प्यार करे और इतने जोर जोर चिल्लाता जान पर जंगले में लील गाय खेदे का हो। हाँ प्यार मोहब्बत ही तरह कीन जाता है तो कैसे किया जाता है, कबो कहे ना ही लगा न रमली तो का जन्मा प्यार कौन तरह कीन जाता है। तुम प्यार करना जानते हो? हम हाँ। अरे हम प्यार के मास्टर हम भैया। यू आर प्यार के मास्टर और क्या, आई एम हेड मास्टर। एक काम करो प्यार की पढ़ाई हमें भी पढ़ा दो और थोड़ी देर के लिए हमारे गुरु जी बन जाओ। तुम ना पढ़ पाओगे क्यों? अब तुम दड़हाए गए। अरे नहीं रमली अभी हमारी उम्र ही क्या हुई, ओनली 25 ईयर्स। यार तुम्हारे हवा भरी आएगा। नहीं नहीं हमारी उम्र केवल 25 वर्ष की है। 25 साल हाँ। कुल टोटल पढ़ सकत हो हाँ। मन ध्यान लगा के पढ़ाता हो। अरे पूरा मन ध्यान लगा देंगे। अरे पढ़ाई माँ न जाने कितने लौंडन का निपाट दिन क्या क्या बोलो मतलब पढ़ाए दिन। अच्छा और कायदे से पढ़िया तो तुहू का निपार दिए क्या मतलब पास कर दिए, पास कर दो हाँ ठीक है पूरा मन लगा देंगे। एक चीज और है बोलो, अब पढ़ा सकता हूँ लेकिन बहकिया ना हाँ। जवन जवन हम कही है कहा ठीक वही कहेंगे और अगर बहक गया तो हम लंबरदार न देखे। अब आई हम गुरु जी वार चेला हाँ गुरु जी वहाँ के याद में चुतरे पर सोटा चलाओ। नहीं जो आप कहेंगे हम वही कहेंगे हाँ। देखो देखो अब नहीं ना शुरू करेगा। अच्छा हाँ जो हम कही मतलब जौन तरन हम कही वही तरन कहा ठीक उसी तरह करेंगे। आओ मेरी जान, आओ मेरी जान, ये तरह गुम्मा हर बहा के मर बहा फिर कैसे। अरे हमका देखा आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। ना पढ़ पाओगे नहीं गुरुजी नहीं ना पढ़ पाओगे। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। बहुत सोच गई ना दो बार बहा क्या नहीं तो हम छोटा चलाए दिए हो। ठीक है गुरुजी अब की हम पूरा प्रयास करेंगे। अरे हमका देखो प्यार से हाँ। मोहब्बत से अच्छा आदा से अब आदा देखो इसकी सब हनुमान जी की कृपा है। अब आदा देखो फिर आगे का पता है देखो ये भी देखना पड़ेगा। और क्या हमका देखो आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। लैन पा रहे हो लेकिन अब शरीर हमारा तय नहीं घुमा, हमारा शरीर देखो आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। ऐठा बना ना जैसे हम कह रहे हैं हमका देखो आओ मेरी जान, आओ मेरी जान। जैसे पहाड़ लेके हनुमान जी उड़त रहे वह तरह शरीर होएगा चाहिए आता ही करिया ये मुझसे नहीं बाहर करिया लोच नहीं ले रहे। दोनों दिन लाद दे तो 3 क्विंटल माटी और निहुराज दे तो शरीर सही हो जाए। चलो चलो जल्दी पढ़ाओ प्याज पढ़ाई टाइम बहुत हो रहा है। अंजूरी बना लियो, अंजूरी भी बनाना पड़ेगा का मोहब्बत मुहे में मिलेगा हाँ। ऐसे अंजूरी बनाए कोहके लगे जाओगे यही तरह अब बनाऊ बाखा कि मोहब्बत सब बह जाए। मोहब्बत पतली होती है क्या? अरे भैया मोहब्बत का समझो मट्टी के तेल हाँ। एक बूंद छुआ था तो एक पीता में फैला था। अब का हमका देखो ये को बूंद बहाय ना पावे हाँ। वहाय काम दे महंग चीज है की अच्छा अब अंजूरी बना के वह के लगे जाए कहा इसके पास भी जाना पड़ेगा और का भावा मिलेगा। अब अंजूरी लगाना कहाँ है हाँ कहाँ लगाना है बिट्टी ऐसा ही आ जा तो का कुछ कहा ना बोला मैं तुमसे कुछ ना बोला खाली ऐसा ही खड़ी हो जाए हाँ ऐसे 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 खड़ी रहे, हाथ हाथ ऐसे कह लिया ऐसे, वाह। अब देखो कासो निहुरे होगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अंजूरी बना के ऐसे जाया, ऐसे बैठा, ऐसे, और फिर अंजूरी बना के ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? सरगा जा भैया, चाली अपने चुकार गांठ। हम कौन काम चालू के अनुसार क्या कर रहे हो भाई साहब? यार भैया कह दी सब शर्माए गए। हाँ क्यों नहीं, चलाओ हटाओ भैया भैया जहाँ सर गए। खड़ी रहो, तुमसे बोला बोला ऐसे अंदूरी बना के अब ऐसे लगायो। हाँ 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 कागज लगा रहे हो कहीं में मिले। हाँ क्या मिले? मोहब्बत मोहब्बत। हाँ अब ऐसे कहो जितना हम कहे थे। क्या कहना है? अंधेरी बनाओ। हाँ आओ मेरी जान, आओ मेरी जान, हमरे यही अंधेरी माँ, हमरे यही अंधेरी माँ, एक अंधेरी भर के, एक अंधेरी भर के, गरम 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 पिए के बरे, पिए के बरे, मेरी प्यारी प्यारी बहन जी, मेरी प्यारी प्यारी बहन। अब का अब का इसी को मैं बहन कहूँ, और इसी के साथ काय तोहरे काका के बिटिया है गाया, तुहार कोई आया ना ना ना, तो फिर तुमका कहा मल्ला बेहतरन कहबे तो समझ ले कि भैया है, जल्दी काम ओ ये रहे। मेरी प्यारी प्यारी बहना, एक अंजली भर के, एक अंजली भर के, पिए के भरे, पिए के भरे, गरम 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 मूत दे दिया। यही पढ़ाई पढ़ा रहे हो, इसी चीज के मास्टर? हम यही के मास्टर हैं और हम ना ही जाने। खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। ना ये जाने इज्जत पानी कुछ ना जाने, और मूत दाल आगे धरे यहाँ नरक का ठौर। दुर्गा अब देख तेरी नादनीन हसीन नौजवानी, ये गंगा सिंह अपने दिल की प्यास बुझाता है। अब शर्म तुझे आई नहीं, अब तू कहाँ है? शर्म तुझे आई नहीं, रहा है लाल, और तू है तेरी शक्ल पर और कुत्ते की जान। और तूने चौपट कर दिया मेरा बना बनाया। तूने चौपट कर दिया मेरा बना बनाया काम, और जाओ जहाँ जाना है चले जाओ, हमारे रास्ते के रोड़े मत बनो। सिंह तुम्हारी ये काली करतूत और तुम्हारी घिनौनी हरकत आज पहली बार मैंने अपनी नजरों से देखा। तो हमारे सबका रोज का धंधा है, तुम आज भला देखबे भाई, रोज का धंधा, रोज का धंधा है भैया, रोज का। खाना न मिले बर्दाश्त, खाना पंद्रवाहिन न मिले बर्दाश्त, लेकिन अगर यह चीज न मिले तो हमारे सबका जिंदगी झंडा। अच्छा आप होनी होएगा चाहिए। महाराज ने तुम लोगों को रियाया कर रक्षक बनाया है, और देखता हूँ कि रक्षक ही भक्षक बनना है। हमारे सब एक नियम है, जय हो बाबा बर्फानी, और भूखे को अन्न प्यासे को पानी। हम लोग यही धंधा डेली करते हैं। ये धंधा डेली करते हो डेली यार, तो साली बोहनिन गड़बड़। रियाया में भ्रमण करने जाते हो और रियाया में बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करते हो। जहन ठीक ठाक दिखा तो वही के घर में घुस जाए। और मान लीजिए किसी दिन कोई ना मिला, तब कोई नहीं मिला तो कहा गाँव की कुकुरू बिलारी मर गई। कहने का मतलब कि ये कार्य तुमको करना ही है, तो लिपट जाए लेकिन करेगा। लेकिन आज इस मौके पर मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारी हरकत को देखकर गंगा मुझे शर्म से मेरा सर नीचा हो रहा है। अरे ये मर्दों का काम है जो कर रहे हो। मर्दन का नहीं का ही जलन गया। गंगा सिंह जो चाहता है उसे करता है, लेकिन गंगा सिंह जो ये कर रहे हो अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए गंगा कि मर्द हो करके औरत से हमला करो, मर्द हो मर्द होकर के औरत पे हमला करे। बेहया पे शर्म शर्म आई नहीं। मेरे रहते अगर तूने खेला इसे मर्द की अच्छी देखी आई हद से ज्यादा न बोलो। हद से नापति हद से ज्यादा न बोलो। हद से नापति बाद में इसकी काफी सजा पाओगे। तुमको दुनिया में जिंदा और मैं छोड़ू नहीं। हाथ मलते अदम और छत्री धर्म के लिए फूकी नदियां यहाँ पर बहा दूंगे। इनकी रक्षा के खातिर काट करके धर्म पर चढ़ा दूंगा। जैसे हजारों हम मसले परी तेरे जैसे हजारों हम मसले परी मेरे सम्मुख किसी की कला ना चली। चले जिसगढ़ के ऊपर एक पल फिक्र पड़ान की और पीर करते नहीं। बड़े जो गलत काम करते सदा साथ इंसाफ का देता है हर बशर। उसका सच्चा मददगार रहते हुए लड़की की तरफ तो मुड़कर देख नहीं सकता। तेरे नजरों के सामने दुर्गा का हम अपनी पत्नी बनाएंगे। तेरी औकात, तेरी हिम्मत। गंगा सिंह अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर है अपनी माँ का बेटा तो हाथ लगा कर देख। अगर इस उदयपुर की धरती पर कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ करके गंगा सिंह से तो हिम्मत है तो आ गंगा। चलो छोड़ो ही आओ, का ही आओ छोड़ो। बवाल की है कोनो फायदा नहीं ना। क्यों बोहनी गड़बड़ हुई है तो मान लियो खटखट कह रहे हैं तो चलो छोड़ दियो। नहीं रब, अरे जो समझाए तो कमाल लेवा करो। क्या समझाता बवाल के कोनो फायदा है का एका छोड़ो चलो चली तो के चक्कर में पड़ी है। गांव में दूसर मिले वह का गिराए दी। राम भाई अगर गंगा सिंह ऐसे ही चला जाता है तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी गंगा सिंह की। हाथ में ऐसे चलाऊंगा। हाँ राम भाई इसको पकड़ो। एसी की तैसी, एसी नहीं ऐसी की तैसी। तो गंगा सिंह अगर आज तेरी भुजा में ताकत है तो मेरा मुकाबला कर। लड़ाई लड़ाई बंद। अबे मुच्छी रमरी हमारी तो जी में आता है कि इसके चार खंड कर डालो तुम। हाँ भाई चुप रहा और ये बहुत याद नहीं और जीते हो। डरवाइयाँ धमकाइयाँ चमकाइयाँ हड़काइयाँ ये क्षत्रियों का पैसा है। डरवाइयम धमकाइयम चमकाइयम हड़काइयम भागे तो भागे नहीं खुद भाग जाइयम। समझदार लगता है। आई हम पढ़ा लिखा लड़का हूँ। क्यों नहीं तो बोलो मतलब हड़काए रहो का। तो फिर तुम कहे लड़ा तो हड़काओ के बारे तुम खुद है तू लड़ेगा। हड़काए हमसे ज्यादा हड़का लेवा का। और एक काम करो हलियो हमारा सोटा पकड़ो। हाँ हाँ एका पकड़े रहो और ऐसे खड़ा किए रहो, अच्छा गिरे न पाओ। नहीं सोटा गिर गया तो जानो हम गिर गए, मेरी ताकत पूरी सी सोटे में है। अब तुम्हार काम इतना है कि तुम खड़ा करके खाली खड़े रहो बस। हाँ सोटा ऐसे खड़ा करके और वहाँ खड़े रहो। हाँ ये तो गंगा सिंह अपनी पीठ दिखाकर बाहर खड़ा हो गया। नहीं हारे नहीं ना। अच्छा खाली हम दूध ने समझौता भाव। तो इसका मतलब कि गंगा सिंह नहीं बल्कि तू हमारा मुकाबला करेगा। पहले मैं लड़ूंगा। अगर ठीक है तो तुम्हारे हिम्मत है और तुम लड़ना चाहते हो तो आओ हमारा तुम्हारा मुकाबला हो। बड़े 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 पहलवान मेरे सामने फेचकुर फेंक देते, शायद तुम अभी जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ। कितने बड़े पहलवान? बॉम्बे के तारा सिंह मेरे चेला है। और तुमको कहाँ तक हम बताएं? समझ गया कि बहुत बड़े पहलवान हो, भुजाओं में बहुत बड़ी ताकत है। मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, पहलवान। हाँ पहलवान, मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, इतना बड़ा पहलवान हूँ, कुश्ती इतनी मारता हूँ, इतना लोगों को हराता हूँ कि मैं दंगल में मैदान देखने नहीं जाता। मैदान देखकर खुद भाग जाते हो। पहले आओ, पहली लड़ाई हमसे हो। नालायक सुअर, क्या बिहारी क्यों बीच में आ गया? हमका देव, पहले हम इस चिलांडू से बात करेंगे। इसका मतलब तू लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। कहो एक बात बताओ, तुमको तो मैंने अभी तक कोई लागुन बात नहीं कहा, तो तुमने हमको चिलांडू कैसे कह दिया? चिलांडू तो चिलांडू है, पहले हम तुम्हारी मुंडी काटेंगे। का कट गया? मुंडी काटेंगे। अच्छा हिया की बात करता है, वही तोहरे मुँह निकला ना, तो हम तो चौंक गए कि सार काट के हमका काहे लायक न छोड़े का। अबे हमको बहुत काम दिखाना है साले। आज तुम्हारा काम यहीं से समाप्त हो जाएगा। लड़ो ना। कहा लड़ो ना? क्या ना लड़े? चले जा, ले मार मुँह डोब तुहार मेहरारू राणा हो जाए। देखा जाएगा। एक काम करो, तुम उनकी देखी देखा उनके चक्कर में न पड़ो, ज्यादा हमका स्याबासी न दियो, और नहीं ज्यादा स्याबासी देवा तो हम हारू जा। कितना हम तवार रहे स्याबासी दियो, शरीर सारी हवा ठंडी हो। पखौरा पर हाथ न धरा करो, पखौरा पर हाथ धर दियो आधा काम तो दिखाई दियो।